गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम हियर डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 द ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे। इसमें हम रीड करेंगे, आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे इसमें। लीव, हाउ डू लीव मेक फूड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके बारे में हम अपने चैप्टर में आज पढ़ेंगे और समझेंगे। लीव्स, लीव्स आप देखते होंगे कि ज्यादातर हमारे वर्ल्ड में हमारे ज्यादातर पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप्स के हैं। हमारी पृथ्वी में डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे हैं, डिफरेंट टाइप्स के लीव्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि हमारे पेड़ पौधे या लीव्स ग्रीन कलर के हैं। वो क्यों है? क्योंकि हमारे प्लांट्स में एक पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट हमारा जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। उस ग्रीन कलर पिगमेंट की वजह से हमारे पौधे ज्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं। आप देखिए ये हमारी लीव्स है, इस लीव की जो मेन होती ये आप लाइनिंग देखेंगे, एक आप पत्ता ले लीजिएगा, उस पत्ते को आप देखिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। उसमें लंबी सी लाइन्स होती है, उसको मेन बीन कहते हैं। और इसमें ऐसे ये जो डिवाइड होता है, ये मेन बीन इन दो पार्टों में डिवाइड करती है। ये जो लाइन्स होती है उसको साइड बीन कहते हैं। और ये जो पत्ता होता है उसको हम लीफ ट्रे कहते हैं, ठीक है। और ये जो लीफ है, लीफ को हम जब पलटते हैं तो खुरदुरा सा होता है, उसमें छोटे छोटे से डॉट्स भी होते हैं। उस खुरदुरे या लीफ की बैक साइड को हम स्टोमेटा भी कहते हैं। जो छोटे इसमें छोटे छोटे स्मॉलर होल्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने में हमारी क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ डू लीव्स मेक फूड। जो भोजन बनाते हैं हमारे पेड़ पौधे, भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं, हमारे पौधे जो होते हैं जो सॉइल से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वाटर ऑब्जर्व करते हैं, और एयर से जो हमारे वाइब्रेशन एयर से होता है उसमें क्या होती है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इससे हमारी लीफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, और सन से लाइट ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें खुद का सेल्फ जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल होता है उससे मिला के क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। पर किस फॉर्म में अपना भोजन तैयार करते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में तैयार करते हैं अपना भोजन। और साथ में भोजन तैयार करने के साथ साथ वो एक गैस भी रिलीज करते हैं, उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन, जिसे हम बोलते हैं प्राणवायु। ये हमारे पृथ्वी में हम लोगों के लिए जीवन के लिए ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन वायु होती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी में जीवन है तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, इसके वजह से हम जीवित रह सकते हैं। तो पेड़ पौधे हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना, और फोटो मीन्स प्रकाश, तो प्रकाश के थ्रू लाइट के थ्रू कुछ बनाना, हमारा फूड बनाना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, इंटरडिपेंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम देखते हैं कहीं ना कहीं पेड़ पौधे या जानवर हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। पेड़ पौधे तो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, खुद सेल्फ बना लेते हैं, लेकिन हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ पौधों को खाकर ही अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधों से ही से ही अपना भोजन बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, आप समझ गए होंगे लेसन को, हमारे लेसन को आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम अब क्या करेंगे कि हमारे जो बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी लगाएंगे, क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। और उन ऑक्सीजन और जो वो आपके यहाँ प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी हम एक फोटो क्लिक करेंगे अपने साथ में, और उनके नेम्स राइट करेंगे कि हमारे यहाँ कौन सा पौधा लगा हुआ है, वो हमको सेंड करेंगे।
आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, एंड बुक रीड भी करेंगे। थैंक यू।